नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में अपस्टॉक्स एप्लीकेशन के ऊपर कितने तरह के ऑर्डर लगते हैं सबको बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे जो कि आप आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम कितने तरह के ऑर्डर लगते हैं तो इसको यदि हम क्लिक करके देखें तो इसमें मेनली चार प्रकार के आपको ऑर्डर देखने को मिलेंगे। सिंपल ऑर्डर, और एक सीओ कवर ऑर्डर हो गया, और एक होता है एसीओ, मतलब वन कैंसिल द अदर ऑर्डर, ठीक। और बाकी एक एएमओ, सब पे हम चर्चा करेंगे। आप इत्मीनान से पूरी वीडियो को देखेंगे अंत तक। आप इस वीडियो के देखने के बाद दोबारा कभी नहीं भूलेंगे कौन से ऑर्डर का क्या काम है और क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम सिंपल को सिलेक्ट करके यहाँ ऑर्डर टाइप को यदि देखूँ तो सिंपल में आपको ऑर्डर टाइप मेनली आपको चार प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, एसएल लिमिट और एसएल मार्केट। और ये जो है सिंपल ऑर्डर आपको इंट्राडे और डिलीवरी दोनों में ही काम करते हैं। सिंपल ऑर्डर में यदि हम जैसे मार्केट को सिलेक्ट करके यदि हम किसी प्राइस को बाई या सेल करते हैं तो जो हमारी उससे स्टॉक की जो प्राइस चल रही होती है वो मार्केट रेट में ही हमें बाई हो जाती है, या फिर सेल करते हैं तो सेल हो जाती है। ये तो इससे आप प्रैक्टिकली आसानी से वाकिफ हैं, आप इसको जानते हैं। तो इसके बाद यदि हम नेक्स्ट लिमिट ऑर्डर की बात करें तो लिमिट ऑर्डर में होता है कि हम जिस प्राइस को चाहते हैं, जिस प्राइस का इंतज़ार करते हैं, उस प्राइस की लिमिट फिक्स कर देते हैं। जैसे ही हमारा स्टॉक उस प्राइस पे आता है हमें वो बाय या सेल हो जाता है। ये दोनों में देखने को मिलता है। जैसे 506 चल रहा है तो 506 साथ ऐसे करके इस स्टॉक की प्राइस चल रही थी। यहाँ पे हम 501 रुपये पर हम बाई करना चाहते तो यहाँ पर हम 501 रुपये इस पर लगा देंगे। और इंट्राडे में है तो इसमें दोनों ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, इंट्राडे और डिलीवरी दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें इंट्राडे में लेना है तो कर लिया मैंने 500 रुपये। यहाँ पर रिव्यू में हाँ मैंने क्वांटिटी नहीं डाला, यहाँ क्वांटिटी एक कर दिया। आप रिव्यू में देख सकते हैं यहाँ पे 501 जैसे ही प्राइस आएगा हमारा वो बाई हो जाएगा, बाई कर दी। चलिए इसको आप अच्छे से इसको भी जानते होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे यदि देखें अगला है एसएल लिमिट ऑर्डर। देखिए एसएल लिमिट का मतलब हुआ जैसे कि आप किसी अपने बोलचाल की भाषा में कोई खरीद बिक्री में आप सुनते होंगे कि आपको ये प्राइस कितने से कितने के बीच में चाहिए, इस तरह की सुनते हैं ना। तो सेम ऐसे लिमिट का काम ही वही है। जैसे इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पे 506 रुपये 65 पैसे चल रही है, तो यदि हमें हमारी प्लान बन रही है कि हमें इसे 501 रुपये से लेकर 503 रुपये के बीच में हमें इसे खरीद लेना है, ठीक, हम इसी बात को इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी ट्रिगर प्राइस एक सेट करनी होती है, कि यानी कि ट्रिगर का मतलब होता है आपकी प्राइस वहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पर ट्रिगर का हिंदी होता है शुरू होना। तो जैसे ही आप जैसे हमें 501 से 503 के बीच में खरीदना है तो हमारी ट्रिगर 501 रहेगी। 501 से लेकर हमें 503 तक खरीदना है, यह हो गया ना। जैसे ही ये प्राइस हमें इसी बीच में कोशिश करके, जहाँ तक हमें इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें कम से कम में मिल जाती है, इस बीच में मिल जाएगी। तो रिव्यू में आप करके देख लेंगे, आपकी ट्रिगर प्राइस यहाँ पे 501 हो गई है और आपकी जो प्राइस है 503 है। तो बस इसमें वही बात है कि कितने से कितने के बीच में हमको चाहिए, तो आपकी एक्टिव हो जाएगी जैसे ही ट्रिगर प्राइस होगी। ट्रिगर प्राइस से आपकी एक्टिव होती है और आपको उस प्राइस पे मिल जाती है। तो ये एक ट्रिगर की होती है, तो ये आपकी ऐसे लिमिट हो गई। वैसे ही अगला हम अब देखेंगे, यहाँ अब अगला इसमें है आपको एसएल मार्केट। तो एसएल मार्केट में सेम कुछ नहीं, एसएल मार्केट में होता है कि आपकी लिमिट तो लगती नहीं, केवल ट्रिगर प्राइस आपको डालना होता है जो कि आप मार्केट प्राइस से ऊपर या नीचे पे डाल सकते हैं। तो हम अगला ऑप्शन यहाँ पे यदि देखें तो हमारी लगभग यहाँ पे सिंपल टाइप ऑर्डर के अंदर सभी प्रकार की ऑर्डर जो मार्केट लिमिट, एसएल लिमिट, एसएल मार्केट, ये चारों को हमने देख लिया। अब हम तुरंत ही बात करेंगे अगला कवर ऑर्डर, जो कि यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने को मिलेगी। वो सिंपल ऑर्डर लगभग हम सभी लोग लगाते हैं, लेकिन कवर ऑर्डर में कुछ कन्फ्यूजन सबकी होती है, तो आप इस कन्फ्यूजन को इस वीडियो के बाद में कभी नहीं भूलेंगे। आप ध्यान से देखिए, देखिए कवर ऑर्डर में होता यह है कि आप कोई भी स्टॉक यदि बाई या सेल करते हैं, तो जैसे बाई हम कर रहे हैं तो बाई के साथ साथ हमारी इसमें स्टॉप लॉस को भी कवर हो जाती है। यानी कि हम किसी स्टॉक को बाई का ऑर्डर लगा रहे हैं तो वहाँ साथ ही साथ हम स्टॉप लॉस भी लगा देंगे, तो ये दोनों एक साथ होती है कवर ऑर्डर में। तो यहाँ पे कवर ऑर्डर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसमें देखें तो हमको मात्र दो ही प्रकार की ऑप्शन, मार्केट ले और लिमिट, यही दो लगते हैं कवर ऑर्डर के अंदर। और ये स्पेशल इंट्राडे के लिए ही केवल, यहाँ पे आपको कोई डिलीवरी के लिए ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कवर ऑर्डर पे यदि देखें तो कवर ऑर्डर यदि मार्केट जैसे सेम मार्केट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर टाइप मार्केट यदि हम कर दिए तो आपकी जो प्राइस है वो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मार्केट में ही बाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम मार्केट में यदि बाई करते हैं तो इस पर हमको स्टॉप लॉस लगाना है, तो यहाँ पर हम यदि हम 506 रुपया जो प्राइस चल रही है उस पर बाई कर लिए, ठीक है, तो हमें सेल स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। तो मान लीजिए हम 505 पे अपना स्टॉप लॉस मेंशन कर लिए, और उसके बाद में 505 पे हम करके और मार्केट में हमारी बाई हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे ऑर्डर 1 क्वांटिटी, मार्केट पे बाई हो जाएगी, जो रेट चलेगी और हमारी स्टॉप लॉस जो है हिट होगी जैसे ही वो
505 पे आएगी, यानी कि हमको कुछ कम लॉस होगा इस पे हमारी हो जाएगी। तो यानी कि आप किसी भी स्टॉक को बाई या सेल के साथ साथ उसकी स्टॉप लॉस भी मेंशन कर सकते हैं। इसको भी आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे की तरफ हम फिर बात करते हैं। देखिए जैसे कवर ऑर्डर में मैंने बात किया तो वहाँ पे था कि हम किसी ऑर्डर को यदि बाई करते हैं तो बाई के साथ साथ केवल हमें स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, बाकी हमको उसको उसका जो टारगेट है प्रॉफिट का उसके लिए हमें डायरेक्ट पोर्टफोलियो में जाकर उसे एग्जिट करना होता है। ऐसे करके हम जैसे प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जाता है तो हमें प्रॉफिट मिलता है तो हम एग्जिट कर देते हैं वहाँ पर, इस तरह से करना होता है। लेकिन ये जो हमारा दूसरा उसके बाद में ओसीओ का जो ऑप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप यदि ध्यान से समझ ले तो फिर आप इंट्राडे में बहुत आपको हेल्प मिलेगी इसको। तो ओसीओ के ऊपर यहाँ पर हम ओसीओ का ऑप्शन पर क्लिक कर चुके हैं। तो यहाँ पे ओसीओ में ये भी सब इंट्राडे, आप ध्यान रहिए कि ये ओसीओ कवर ऑर्डर ये सब जो है वो केवल इंट्राडे के लिए, आप इसको कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते अपने डिलीवरी में। तो ओसीओ में भी आपको एक लिमिट ऑर्डर देखने को मिलता है और एक एसएल लिमिट देखने को मिलता है, दोनों पे ही हम बात करते हैं। देखिए ओसीओ में यदि यहाँ पे हम सबसे पहला ऑप्शन लिमिट पे पहले बात करें तो आपको ये ऑप्शन देख रहे होंगे, एक बाई प्राइस आपको दिख रहा है और एक टारगेट सेल और एक स्टॉप लॉस सेल। देखिए इसमें दोनों काम आप एक साथ कर सकते हैं। किसी ऑर्डर को यदि आप बाई कर रहे हैं तो साथ साथ आप प्रॉफिट का यानी कि एक टारगेट भी सेट करते हैं कि इतना पे जाने पे हमारा सेल हो जाएगा, और यदि स्टॉप लॉस भी साथ साथ यहाँ पे आप मेंशन कर लेते हैं कि हाँ नीचे की तरफ यदि इतना पे जाएगा तो भी सेल हो के हमारा लॉस इतना ही तक रहेगा। तो इसमें हम दो चीज़ एक ही साथ एक स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को ही कर देते। तो यहाँ पर जैसे कि बाई प्राइस, यहाँ पर यदि हम लिमिट में बाई प्राइस 501 रुपये के ऊपर हम बाई करना चाह, और देखिए टारगेट में जो होता है कि आपको प्राइस नहीं लिखने होते हैं, आप टारगेट प्रत्येक शेयर के ऊपर कितने रुपए की प्रॉफिट का टारगेट रख रहे हैं। जैसे मैं प्रत्येक शेयर के ऊपर यदि 3 रुपये की टारगेट के ऑटोमेटिक मैंने केवल 3 किया यहाँ पे और ये अपने आप 504 रुपये हो गया, यानी मैंने 501 पे बाई जैसे किया तो यहाँ 3 रुपये की हम टारगेट रखे और स्टॉप लॉस में वही मान लीजिए हम 2 रुपये की स्टॉप लॉस कर लिए तो वही 499 में सेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम करके इसको पूरी तरह से, और ये भी केवल इंट्राडे के लिए है, यहाँ पे हम रिव्यू में करके इसको सेट कर देते हैं। लेकिन एक खास चीज़ यहाँ पर आप एक ऑप्शन पर कन्फ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ट्रेलिंग एसेल, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए मान लीजिए कि आप 501 रुपये पे आप यहाँ पे बाई कर लिए, 501 पे बाई कर लिए, आपका बाई हो चुका है ठीक। अब उस शेयर की प्राइस 502 हुई तो 502 हुई तो भी आपका स्टॉप लॉस क्या यही रहेगा? नहीं, जैसे जैसे उस शेयर की प्राइस आपकी बाई प्राइस से ऊपर की तरफ यदि टारगेट को छूने की तरफ अग्रसर हो रही है तो आपकी स्टॉप लॉस जो भी है वैसे ही ऊपर की तरफ अग्रसर हो जाएगी यदि हम इसमें टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टिक कर दिए तो प्राइस जैसे 500 से 502 होगी, ऐसे ही करके जैसे मूव होगी तो आपकी स्टॉप लॉस भी 499 से 500 पे हो जाएगी, फिर 500 से होकर 501 हो जाएगी, और वैसे करते करते आपकी यदि प्राइस 504 तक पहुँच गई तो आपकी 3 रुपये की प्रॉफिट के साथ यहाँ पर आपकी टारगेट हिट जाएगी, आप टारगेट में प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन वही होता है कि 503 तक गई और फिर रिटर्न पे आ गई तो यहाँ पे ये फायदा होता है कि आपकी स्टॉप लॉस भी बढ़ गई होती है, 502 तक चली गई होती है, ऐसे बढ़ते जाती है। तो जैसे फिर बैक आ गई, आपकी टारगेट को छुई नहीं, बैक आई, बस आपका स्टॉप लॉस को वहाँ पर कट करेगी जो कि आपका स्टॉप लॉस बाई प्राइस से ऊपर चला गया होता है और वहाँ पर आपको जो होता है एक फिर भी प्रॉफिट हो जाती है। तो इस तरह से इस पर टिक करने पे ये फ़ायदे होते हैं, तो इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, आप एक प्रैक्टिकली इसको एक बार दो बार कर लेंगे तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, देखिए ओसीओ का मतलब होता है वन कैंसल द अदर ऑर्डर, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज़ होता है जैसे कि आपका टारगेट हिट हो गया, आपने तो इसमें पर्टिकुलर दोनों ही लगाए हुए हैं, स्टॉप लॉस भी लगाए हुए हैं और टारगेट भी लगाया, जैसे आपका टारगेट को अचीव कर लिया तो फिर आपका स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो टारगेट कैंसिल हो जाएगा, कोई एक ही होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है ओसीओ, वन कैंसल्स द अदर ऑर्डर, एक कैंसिल हो जाएगा एक ऑर्डर को होने के बाद में। तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कहीं परेशानी हुई होगी। तो आगे की तरफ फिर हम एसएल लिमिट के ऊपर बात, देखिए सब कुछ सेम है इसमें, केवल आपको जैसे प्राइस को आप एक फिक्स लिमिट पे आप जैसे प्राइस बाई कर लिए तो यहाँ पे आपको प्राइस के लिए वही ट्रिगर जो होता है ना, दो एक ट्रिगर प्राइस लगाना होता है कि आपका प्राइस वहाँ से एक्टिव होकर और वहाँ तक जाके बाई हो जाएगा। तो बाकी सब इसमें सेम है, इसको भी देख लेते सिम। यहाँ पर हम यहाँ पर जैसे बाई प्राइस हम यहाँ पर 502 रुपये कर दिए, उसके बाद में ट्रिगर जो है हमारी 501 हो गई, और वही टारगेट सेल जो है कि हमें कितना 2 रुपये के ऊपर हम इसमें सेल करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, जैसे आप टारगेट सेल करेंगे प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ टारगेट सेल स्टॉप लॉस कितना, स्टॉप लॉस मान लीजिए 2 रुपये में लॉस भी प्रत्येक शेयर के ऊपर रिस्क ले रहा हूँ तो ये 499 ऑटोमेटिक हो गया ना। और वैसे ही यहाँ पे जैसे ये भी इंट्राडे है, अरे देखिए यहाँ पे ट्रेलिंग सेल को हम क्लिक कर दिए तो वहीं आपका जो बताए थे ना वो आपका स्टॉप लॉस बढ़ते जाता है। तो ये एक
अच्छी चीज़ है इंट्राडे के ऊपर, यदि ऐसे करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, एक टारगेट एक ही साथ दोनों सेट कर लेते हैं। आगे हम इसके साथ अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट AMO, जिसके इसका मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जो कि मार्केट क्लोजिंग के बाद ये ऑर्डर लगते हैं, और ये ऑर्डर जो है आपका इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के लिए ही लगते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ खास नहीं है, AMO में आपका वही होता है कि आप वो सिंपल ऑर्डर में जो होता है ना वो चीज़ ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। इसमें लेकिन होता है कि मार्केट क्लोजिंग के बाद में आप जो ऑर्डर लगाते हैं वो आप कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा उस प्राइस पे आपका जितना पे ओपन हुआ आप बाई या सेल जो भी किए हैं आपको वहीं से आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। तो ये आफ्टर मार्केट नाम से ही स्पष्ट है, ये आफ्टर मार्केट में लगते हैं। तो ये खास इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं पूरी बात को एक ही वीडियो के अंदर पूरी ऑर्डर को मैंने कवर करने का प्रयत्न किया। देखिए कई लोग के मन में ये भी सवाल आते रहते हैं कि डिलीवरी में यदि हम शेयर कोई बाई किए हुए हैं तो बार बार हमें उसे डेली बेसिस पे अपने स्टॉक्स मेंटेन ये स्टॉप लॉस मेंटेन करने होते हैं। कोई ऐसा ऑप्शन भी होना चाहिए कि हाँ हम एक बार उसकी स्टॉप लॉस से मेंशन कर दें और लगा दें और उस प्राइस पर किसी भी दिन में कभी भी लंबे समय में वो टिका रहा है उस पर अपना स्टॉप लॉस हमारा वो चलता रहे। तो देखिए इस तरह की ऑप्शन जो होता है कि हर एक ब्रोकर ये अपने अपने हर एक ब्रोकर में ये उपलब्ध नहीं होता है, जो कि अभी अब स्टॉक्स में नहीं है, वही ऑप्शन आपको GTT करके आपको जरोधा में मिलने को, अभी नया फीचर जो कुछ दिन नया तो अभी नहीं नया है, बहुत पहले से कुछ दिन साल पहले से आ चुके हैं। तो GTT जो है एक जरोधा एक ज़बरदस्त फीचर कहेंगे उसके लिए है, वहाँ पे है कि आपको एक बार लगा देते हैं आप डिलीवरी में जैसे कोई शेयर बाई किए हैं तो उसको आप GTT को लगा देते हैं तो लॉन्ग टर्म्स के लिए आपका SL मेंशन करता है। तो ये चीज़ अभी ऑफ स्टॉक्स में नहीं है, इस चीज़ को आप ऐसा नहीं समझिएगा कि हर एक चीज़ में सेम फीचर रहते हैं, तो सबकी अलग अलग फीचर होती है। तो आशा करता हूँ मैं एक ही वीडियो में सारी बात को थोड़ी थोड़ी आपको समझाने का प्रयत्न किया। वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको और इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।